पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अगर छोटे सूबेदार जी को दिल्ली जाना पड़ा तो मैं अपनी जिम्मेदारी लेने से चुकूंगी नहीं, अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटूंगी मैं। बहुत खूब, पर तुम तो जानती हो खतरा किसी भी समय कभी भी कहीं भी आ सकता है, तो चाहे वो सूरजमल के रूप में दिल्ली पर चलकर आए या किसी और रूप में मालवा पर। आपका प्रस्ताव पहली दृष्टि में उत्तम है, मानना पड़ेगा, लेकिन आपके इस प्रस्ताव के संदर्भ में केवल एक प्रश्न है हमारा। क्या सभी गांववासियों और सभी किसानों की इस प्रस्ताव को लेकर अनुमति और सहमति है? जिनकी भूमि पर यह जलबंधक बनाया जाएगा, मैंने खुद रतलाम गांव का दौरा किया है और वहां के निवासी इस जलबंधक को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने इस जलबंधक के लिए स्वीकृति, अनुमति, सहमति सब कुछ दे दी, और इतना ही नहीं, जिन किसानों की भूमि पर ये बांध बनेगा उन्हें राज्य की तरफ से दूसरी जगह भूमि का प्रबंध करके दिया जाएगा। जी बहुत अच्छी बात है गुनोजी भाऊजी, लेकिन इनकी बात खुद इनके मुंह से सुनना चाहते हैं हम। जी बिल्कुल जी, प्रणाम। प्रणाम छोटे सुबेदार जी। छोटे सुबेदार जी, इस योजना से लाभ पूरे गांव को होने वाला है, और ये जल बंधन योजना हम सभी गांव वालों के लिए भगवान भोलेनाथ का प्रसाद होगा। प्रणाम छोटे सूबेदार जी, मेरा नाम विश्वास राव है। इस प्रस्ताव के संदर्भ में यदि आप में से कोई कुछ भी कहना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो आप निसंकोच होकर कह सकते हैं। वैसे इस जलबंधक के बनने से और क्या लाभ है? इस जलबंधक के बनने से रतलाम के निवासियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और ऐसे यहाँ कई किसान हैं जिनकी भूमि निर्जीव है, बंजर है, उनका क्या फायदा होगा? गांव में कई किसान हैं जो असिंचित भूमि और बंजर भूमि के मालिक हैं। ये संचय किया हुआ पानी उनके लिए वरदान हो सकता है। अब तक जो बरसात पे निर्भर थे वो अब हर साल अपनी फसल उगा सकते हैं। गुरुजी भाऊजी जी, इस शुभ कार्य को शीघ्र अति शीघ्र आरंभ किया जाए।
गुरुजी बहुत बहुत बधाई हो, आपका प्रस्ताव तो दरबार में पारित हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, हम अभी आते हैं। खंडेराव, जी कहिए। मैं कहना चाह रहा था कि क्या बात है भाऊजी, आपको जो कहना है आप बेझिझक होकर कहिए। मैं कह रहा था कि आपने जो किया बहुत अच्छा किया, इससे रतलाम के निवासियों को बहुत लाभ होगा। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया, ये इतिहास में एक स्वतंत्र निर्णय की तरह यादगार रहेगा। कहा जाएगा कि ये वही निर्णय था जो एक काबिल सूबेदार को लेना चाहिए। गुरुजी भाऊजी, आपको जो कहना है आप साफ साफ भी कह सकते हैं, बातों को इस तरह यूं गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं। मैं गोल गोल नहीं घुमा रहा, बस यही कहना था। बस यही कहना था, ठीक है फिर चलते हैं। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो निर्णय लिया है रतलाम में माही नदी पर जलबंधक बनाने का, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन एक बार अगर आप मल्हार सरकार से पूछ लेते तो अच्छा होता। अच्छा होता मतलब? और उनसे क्यों पूछ लेते? अगर हमें हर निर्णय उनसे पूछ कर लेना है तो फिर सूबेदार की गद्दी पर हम क्यों बैठे? यह निर्णय हमने जनहित में लिया है। इसमें कुछ कहने की बात तो नहीं है, आप गद्दी पर तो जरूर हैं, लेकिन फिर भी वो आपके बाबा साहेब हैं, कहीं वो इस फैसले से नाराज हो गए तो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वो आपके हर फैसले को निरस्त कर देते हैं। अब अभी देख लीजिए जैसे उन्होंने शुजाऊ दौला के वक्त किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ एहतियात बरत ले तो अच्छा होगा, एक बार पूछ लीजिए। आपके मशवरे के लिए शुक्रिया गुनोजी भाऊजी, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। रतलाम हमारी जागीर है, उसके लिए जो सही लगा हमने वो किया। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।